और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक स्टिल बैठे हुए इस इंतजार में कि आपका शायद आ रहा है। जनाब मैं आपकी भाई साहब की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। एक शख्स था जिसने एक नजरिया लिखा, जिसने एक नजरिया सोचा कि पाकिस्तान के अंदर एक इंसाफ कायम करना है। वो शख्स घर से निकला था, 22-23 साल पहले निकला था, लेकिन उसको मानने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि उसने पहले केपी में गवर्नमेंट बनाई, फिर उसने पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाई, और आज उसने ये साबित कर दिया कि वो अमेरिका जैसे इसराइल जैसे हमारे में उसका तख्त हो रहा है। चाहिए। और आज एक और बड़ी मजे की बात आपको सुनाता हूँ, उसका क्रेडिट जाता है कि आज कश्मीर के इस वादी में, आज पहाड़ी के इस पहाड़ों के ऊपर आज उसका नाम दिया जा रहा है, जिसका क्रेडिट जा रहा है उसको मुगल साहब को जा रहा है, इकबाल मुगल साहब को जा रहा है, सुल्तान मुगल साहब को जा रहा है। उसके साथ अभी हमें कुछ बातें सुनने को मिली मेरे कायद के बारे में, क्या हमारा कायद है, हमारा कायद की वजह से इस्लाम को खतरा है। तो याद रखें, मैं उनको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि इस्राइल जैसे मुल्क के सामने डर जाना, अमेरिका की गलती के ऊपर जाके सीना ठोक के कहता है ला इल्लाह इल्लल्लाह, तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ खड़े हो जाओ कि मेरे नबी की शान में ये लोग गुस्सा ही न कर सके। मुझे अफसोस है आप पढ़े लिखे नौजवानों के ऊपर जो इस किस्म की सियासत करते हैं, जो मुनाफिकाना सियासत है, किसी की मदद के ऊपर सियासत। मुझे बताए आज तक इस धरती के ऊपर, पाकिस्तान की धरती के ऊपर कौन सा ऐसा लीडर है जो भाई के मानों में जाके अल्लाह का नाम बुलंद करता है। यहाँ पर भूखेंडा है दूसरा कि भाई कश्मीर को देख दिया, कश्मीर को देख दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कश्मीर को कोई माई का लाल नहीं बेच सकता जब तक आप लोग कोई नहीं बेच सकता। इसी बात यहाँ पर कोई भूखेंडा हो रहा है कि मैं नहीं बहुत ज्यादा है इमरान खान को वोट मत दो। मेरी बात सुनो, आप लोग रिक्शा मुख्य वाले लोग सारे, आपका दल बिक चुका है, आपका दल फिर भी हो चुका है, आपको घर की सुपरवीजन दी जा रही है। मुझे बताओ आप कर्जदार भी हो, आपका दल बिका हो गया है, आपके सारे अदारे ऑलरेडी गिरवी रख चुके हैं, आप मुल्क को कैसे चलाओगे। याद रखे ये वक्त चाइना जाया था, ये वक्त मलेशिया जाया था, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया और आज मलेशिया और चाइना अमेरिका को आंखें दिखा रही है। वो वक्त आएगा हमारा लीडर भी आगे आगे दिखाया। तो याद रखो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ये वो जद्दोजहद की बात कर रहा हूँ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर देंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर गिर पड़े, तो तमाम जो कुफार थे वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास खड़े रहे। और बहुत था कि सूर्य के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते तो पहाड़ रेता रेता हो जाते। बहुत था कि सूर्य के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते कि क्या मतलब फैल जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने मैदान जंग में हमें एक मैसेज दिया नौजवानों। वो मैसेज ये था कि नौजवानों मैं लड़ से लड़ना है, मुझसे नहीं लड़ना। वो सिर्फ मैसेज आपको मेरे लिए था कि हमने अपनी मेहनत से लड़ना है। और दूसरी बात, मैं शक करता हूँ यहाँ बच्चे आगे पाकिस्तान के ऊपर खेल रहे, तू बड़ा किसका आगे से सीनियर लोग कहते हैं पत्तू हम भट्टों के बैठे नहीं, हम भट्टों के नहीं है, हम अपने नजरिए के बैठे हैं। मैं आपसे ये वादा लेना चाह रहा हूँ, मैं इन लोगों के सामने ये वादा लेना चाह रहा हूँ कि आपसे उनकी जमीन
करने वाले हैं, क्या आप लोगों का साथ देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपनी जगह पे खड़े हो जाए, अपनी जगह पे खड़े हो जाए लोगों। अगर ये शख्स आपकी इज्जत की खातिर खड़ा है, आपकी बहनों की इज्जत की खातिर खड़ा है, आपकी गिनीज बुक में बैठने के लिए खड़ा है, इंशाल्लाह वो सलाम अब टूट गिरेंगी, अब जिंदानों की खैर होगी। टूट कर निकलता था इनको से नकारा जाएगा, कश्मीर के निशीनों उठ बैठो, वक्त नहीं है सोने का, अब तक उठाए जाएंगे। अब